नमस्कार बिजनौर तक में आपका स्वागत है। भारत के किसानों के आंदोलन व जनहित की समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि बिल को अविलंब वापस लेने की मांग को लेकर आज शिव सैनिकों ने देश के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र सिंह की गैर मौजूदगी में तहसीलदार रमेश चंद्र चौहान को सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में आर के आर्य एडवोकेट शिवम प्रजापति, केशव प्रजापति, ब्रजमोहन प्रजापति, वीरेंद्र गिरी, जसवंत सैनी, रवि प्रकाश सैनी आदि शामिल रहे। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। आपका आरकार एडवोकेट प्रदेश शिवसेना सचिव आज धामपुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, क्या प्रॉब्लम? देखिए, जो भारतवर्ष के अन्नदाता किसान चारों तरफ बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तीनों कानून को बिल को वापस लेने के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से ज्ञापन दिया है, जिसमें तीनों काले कानून वापस हों, उन पर जो मुकदमे लगे हुए हैं वो भी वापस हों, और जो इस आंदोलन में जिनकी किसानों की जो किसान किसानों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को उचित मुआवजा मिले, और जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जो तथाकथित कुछ सत्ताधारी नेताओं ने उनमें सम्मिलित होकर आंदोलन में जो गलत आंदोलन की दिशा करी है उनके खिलाफ कार्य करें भाई।